या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाद ये सुन्नी पार्लियामेंट के अरकान बैठे हैं। हमारी तहरीक जिसने तकरीबन 5.5 साल तक गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद की रिहाई के लिए काम किया, उसका नाम था तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी। अब उसी को तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आगे चलाया जा रहा है। ये चेलम का जो प्रोग्राम था उसके बाद मार्च और इसके बाद ये धरना जो है, ये आप अच्छी तरह हाईलाइट करें कि ये सब प्रोग्राम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफार्म से है, जो कि नुमाइंदा तंजीम है तमाम अहले सुन्नत व जमात की तंजीमों की। और ये हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, ये सरपरस्त आला है बंदा नाचीज़ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, इस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा नाचीज़ चेयरमैन है। और पेशवा अहले सुन्नत हज़रत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब इसके रूह रवा हैं। पीर सैयद मोहम्मद ज़हीरुल हसन शाह साहब ये वाइस चेयरमैन हैं। और काजी मोहम्मद महमूद अहमद कादरी साहब अवान शरीफ सीनियर रहनुमा है। इधर हमारे जर्नल अहले सुन्नत हज़रत इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब इसके सीनियर रुकन है इसी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब ये खैबर पख्तूनख्वा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर हैं। इसी तरह बलूचिस्तान सिंध तमाम इलाकों की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। और पीछे हमारे पिंडी इस्लामाबाद के अहदेदारान इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि ये पूरे आलम इस्लाम में हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की शहादत की वजह से एक बड़ा दर्द है सीनों में, और इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक अजीब सी कैफियत मौजूद है। हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज होता तो ऐसे साने से कौम दो चार ना होती। और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद का भी जाते वक्त ये पैगाम था, जब उन्होंने मौत के फंदे को चूमा तो ये कहा कि मैं नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे रहा हूँ, और मुझे इंतज़ार रहेगा कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज कब होता। तो इस बुनियाद पर आपके पास जो हमारा ये पेपर पहुंचा है, हमारे मुतालबात में सरफरिस्त मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज किया जाए। और 295C जो कानून नामूस रिसालत है उसमें किसी किस्म की तरमीम ना करने की गारंटी दी जाए। और जितने भी गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदालतों से सजा याफ्ता हैं आसिया मलूना समेत, उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। दीगर मुतालबात भी आपको कागज़ में लिखे हुए हमारे मिल जाएंगे। और असल जो सूरत हाल है आप सब जानते हैं कि जनाजा जो तारीख साज जनाजा था और किस अंदाज में वो इस्लामाबाद में उसके मनाजिर थे, उसके बाद चेलम की तकरीब लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, इस मौका पर जो तारीख साज इज्तिमा हुआ और उसके बाद जो मार्च हुआ, कितने पुरअमन तरीके से वो मार्च आगे बढ़ा। शायद चश्मे फलक ने इस्लामाबाद की सरजमीन पर इतना बड़ा मार्च कभी नहीं देखा होगा कि लाखों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़े। और ये हमने पूरे 11 बजे अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया था हुकूमत को, और हमने कहा कि अगर हमारे मुतालबात यही माने जाते हैं तो हम मार्च नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो 12:30 बजे का टाइम दिया उस वक्त तक उन्होंने कोई पेशरफ्त ना की। उसके बाद हमने टाइम 1 बजे तक बढ़ाया, फिर भी हमें कोई जवाब ना मिला। उसके बाद तकरीबन 1:22 पे हमने वहाँ से मार्च करने का ऐलान किया, और वो मार्च अल्लाह के फजल से आगे चला। लेकिन इंतहाई पार्लियामेंट की तरफ हाँ हमने ऐलान किया था, बाकायदा 11 बजे ऐलान कर दिया था कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। डी चौक पे धरने का हमने ऐलान उस वक्त किया था। अब इसके बाद इस मार्च को जो नहायत पुरअमन तरीके से चल रहा था और कहीं कोई पत्ता भी नहीं टूटा, हुकूमत से वाशियाना तशद्दुद हुआ, यानी उसमें जो शेलिंग थी उस कदर उसके अंदर केमिकल जहरीला मौजूद था, और सिर्फ शेलिंग ही नहीं थी, सीधी गोलियां फायर की गई और जो है वो भी एक्सपायर उसके थे वो जो शेल मारे गए। और इस तरह ये जो कारतूस चलाए गए ये सैकड़ों की तादाद में इधर इनके ये खौल पड़े और पक्की गोलियां जो है वो फायर की गई, वो भी हमारे पास यहाँ यानी रस्ते में इस चौक से पहले और इस मकाम पर पहुँचते हुए वो खौल भी हमारे पास मौजूद है। यानी इतना वाशियाना शेलिंग का अंदाज था कि मुसलसल फैल हो रहे थे और हमारे सैकड़ों कारकुन बेहोश हुए, उलमा इकराम जख्मी हुए,
और सांस लेना मुश्किल था। ये एक दो बार की बात नहीं है, मुतद्दद मकामात पर यह शैलिंग हुई और बिलखसूस डी चौक से पहले उन्होंने मुसलसल इतना कि एक वक्त ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर शख्स गिरा पड़ा था, लेकिन अल्लाह का फजल है हमने फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद की और एक बंदा भी वापस नहीं लौटा और सारे आगे पहुंचे। तकरीबन 22 किलोमीटर का सफ़र लोगों ने पैदल तय किया, जो कई दिनों से कोई बलूचिस्तान से चला था, कोई खैबर पख्तूनख्वा से, कराची से आने वाले लोग मुसलसल चलते रहे और इस अंदाज में ये काफिला यहाँ पहुँचा। इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद हमने फिर अपने मुतालबात दोहराए और हुकूमत से कहा कि हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। वो रात गुजर गई, उसके बाद कल का दिन गुजरा, फिर गुज़श्ता रात गुजरी और आज उसके बाद अगला दिन है, बसर का वक्त है। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कावश इस सिलसिला में नहीं। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में हर किसी का हक मुयस्सर है, अकलियात हों, कोई भी यहाँ धरना देने आए, उनके लिए यहाँ की फ़ोन सर्विस मुअत्तल नहीं होती, पानी पे पाबंदी नहीं होती, खाने पे पाबंदी नहीं होती। हमारी सैकड़ों पकी पकाई देगे उनकी गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई, बल्कि जिस बबरची ने पकाई है उस पर FIR काट के उसके गिरफ्तार कर लिया गया। हमने कौन सा जुर्म किया है कि पानी तक की इजाज़त नहीं? अब इतने लोग हैं, नमाज पढ़नी है, इसके अलावा ये सारे मामलात हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है हमारा एक कारकुन भी शिकायत नहीं कर रहा कि मुझे भूख है, एक कारकुन भी शिकायत नहीं कर रहा कि मुझे प्यास है। आप उनके चेहरे देखें, आप भी जिस वक्त वो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हैं तो जमीन से 5 फुट उछल के नारा लगाते हैं। इतना उनका इस अंदाज में उम्मत के अंदर ये हरारत मौजूद है, तो हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि यकीनन आप चौथा जो सतून है इस स्टेट के अंदर, तो आप अपना हक अदा करें इसमें कि ये जो जुल्म व सितम है, हमारे मुतालबात का अंदाज वो अलहदा चीज़ है। यानी यहाँ हमने बैठ कर जो पुरमन तरीके से बैठे हुए हैं, क्या सितम किया है कि हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई और खाने तक की चीज़ों में पाबंदी है और सारे मामलात इस तरह के हैं कि मुसलसल जो कारकुन निकलता है वजू करने के लिए, ये इन्होंने यूँ बनाया हुआ जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जो पार होता है उसको गिरफ्तार करके गाड़ियों में उठा के ले जाते हैं और आने वाले लोग जो मुसलसल मुल्क के शहरों से यहाँ शिरकत करना चाहते हैं, इस वक्त तकरीबन 5000 के करीब लोग सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गिरफ्तार हो चुके हैं और इस अंदाज में ये तशद्दुद के साथ हमारी तहरीक को कुचलना चाहते हैं, मगर इन हुक्मरानों की भूल है। वो पेट धरने और होते हैं, वो गवैयों और नचैयों के धरने और होते हैं, वो हुकूमत और एजेंसियों के जो अंदर साजिशों के बने हुए धरने और होते हैं। ये धरना है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धरना, ये धरना है नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धरना। इस वास्ते हमसे ये जितनी भी बस सलूकियाँ कर लें, हम ना थकने वाले हैं, ना हारने वाले हैं और ना वापस जाने वाले हैं। इंशाल्लाह अपने मुतालबात के लिए हम आखिरी जो अपना लम्हा है सांस का, उस तक हम अपना किरदार अदा करेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग गलत रंग देते हैं, यानी कोई कह रहा है कि तोड़ फोड़ हो रही है, अब जो एजेंसियाँ करें हम उसके हक जिम्मेदार नहीं हैं। हमने अपने कारकुनों को कंट्रोल किया हुआ है और हमारा कारकुन किसी से ना कोई मांगता है कि मुझे कोई चीज़ खाने को दो और ना पीने के लिए मांग रहा है, वो मुतमैन बैठे हैं, लेकिन हम जो एक हकीकत है वो उजागर कर रहे हैं। कोई ये ना कहे कि वो वहाँ पे अपीलें कर रहे हैं कि हम भूखे मर गए, हम प्यासे मर गए, हम किसी से अपील नहीं कर रहे, सिर्फ हम हकीकत को वाजह कर रहे हैं कि ये जुल्म इस वक्त वो हो रहा है जो यजीदों ने भी शायद ना किया हो। किस तरह का ये अंदाज़ नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतवालों से किया जा रहा है।